हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। प्रदूषण के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों का असर अब देश की संसद में भी देखने को मिलेगा। इस कोशिश के तहत देश की करीब 95 साल पुरानी बिल्डिंग में बड़े बदलाव किए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि संसद भवन के अंदर ई रिक्शा चलाए जाएंगे। ये ई रिक्शा सांसदों के इस्तेमाल के लिए होंगे, ताकि वो संसद के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल न करें। अभी रेल मंत्रालय की तरफ से 2 ई रिक्शा संसद को दान के रूप में दिए गए हैं, लेकिन आगे इनकी गिनती और बढ़ाने की योजना है। दावा किया जा रहा है कि कुछ साइकिलें भी खरीदी जाएंगी, जो सांसद साइकिल का इस्तेमाल करना चाहें वो साइकिल से भी दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा संसद में सौर ऊर्जा बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। संसद भवन में साल भर में कुल 12 मेगावाट बिजली खर्च होती है। अभी संसद में 120 किलोवाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से किया जा रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और संसद की जरूरत की पूरी बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से ही किया जाएगा। बिहार के कटिहार में जिलाधिकारी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को पुलिस वाले लाठियों से मारने लगे। बाढ़ में बेघर हुए ये लोग अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों से वहां जुटे हुए थे, लेकिन हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि पुलिस वालों ने इस बीच बुजुर्गों की उम्र का भी ख्याल नहीं रखा और उन पर भी जमकर लाठियां बरसा दी। पुलिस वालों ने महिलाओं को भी खदेड़ा और उन पर भी डंडे बरसाए, जिससे कुछ महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई। क्या हुआ? मार दिया। कौन मारा? पुलिस। क्या चीज के लिए आए? जमीन के लिए। लोगों का आरोप है कि रणनीति बनाकर उन पर लाठी चार्ज किया गया। हम लोग को लग रहा था मारेगा भी, और आज जो है वो स्टार्ट कर दिया मारना। अब बहुत आदमी का जो है बहुत नुकसान हुआ है। नदियों में टकराव की वजह से बेघर हुए ये लोग फिर से बसाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन 2 दिनों के बाद भी जब उनकी मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ये लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान इन लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा। जबकि पुलिस के अधिकारी बड़ी सफाई से लाठी चार्ज की बात को छिपाने की कोशिश करते दिखे। उनको हटाया गया है और उसी खदेड़ा खदेड़े में एक आध लाठी चलाओ। वहीं पुलिस की लाठियों का शिकार हुई अपनी मांगों पर अड़े नजर आए। अगर नहीं होगा तो जब मारे खाए तो जान दे देंगे, चले जाएंगे, जान मर जाएंगे, ठीक है उसे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं सर। वहीं लोगों ने अपने नेता को छोड़े जाने की मांग की और जमीन की मांग को लेकर फिर आंदोलन करने की बात कही। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस के समर्थक सड़क पर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचने लगे। वहां की आरआर नगर विधानसभा सीट पर हुए इस चुनाव में कांग्रेस के एन मुनिरत्ना ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया, जिसके बाद जीत की खुशी में कांग्रेस के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस की इस जीत से गदगद कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। जीत के बाद कांग्रेस के एन मुनिरत्ना ने अपने समर्थकों के साथ एक खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो भी निकाला। आरआर नगर की सीट पर कांग्रेस के एन मुनिरत्ना ने बीजेपी के मुनिराजू गौड़ा को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार भी मुनिरत्ना से मिलने पहुंचे, जहां समर्थकों ने बड़ी माला पहनाकर दोनों का स्वागत किया। इट इज अ विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस पार्टी, द लीडरशिप एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल। इससे पहले चुनाव आयोग ने आरआर नगर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा वोटर आई कार्ड मिलने के बाद वहां होने वाला चुनाव टाल दिया था। थाने के मुंब्रा स्टेशन पर लोकल में चढ़ने के समय एक बार फिर बड़ी लापरवाही दिखी। स्टेशन पर लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि सुबह के वक्त एक महिला लोकल में चढ़ने की कोशिश करती है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो तेजी से ट्रेन में चढ़ नहीं पाती। अचानक ट्रेन चलने लगती है और महिला का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे पहले कि वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जा गिरती, वहाँ मौजूद आरपीएफ का एक सिपाही उसे ट्रेन से दूर खींच लेता है। सिपाही की तेजी से महिला किसी हादसे का शिकार होने से बच गई। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक इमारत के बाहर सुरक्षा बल के 2 जवानों ने एक संदिग्ध आदमी को दबोच लिया और उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश करने लगे। इस आदमी पर आरोप है कि उसने यूक्रेन में रह रहे एक रूसी पत्रकार को मारने की साजिश रची, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि खुफिया एजेंसी की एक स्पेशल टीम ने उसे वक्त रहते ही धर दबोचा। इसके बाद उसे एक कार के बोनेट पर लटाकर हथकड़ी पहना दी गई और सुरक्षा बल के जवान उसे एक नीली वैन में लेकर रवाना हो गए। आरोप है कि रूस के एक पत्रकार आर्काजी बेबचेंको को मारने के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया और पत्रकार की हत्या के लिए उसने भारतीय रुपयों के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा की सुपारी देने की कोशिश की। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने रूस के इशारे पर पत्रकार की हत्या की साजिश रची।
क्योंकि बाबचेंको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक रहे हैं और उन्होंने आशंका जताई थी कि रूस उनकी हत्या करवा सकता है, लेकिन यूक्रेन को पहले ही पत्रकार की हत्या की साजिश की भनक लग गई, इसलिए आरोपियों को पकड़ने के लिए उसने नाटकीय अंदाज में बाबचेंको की हत्या की झूठी खबर फैला दी। लेकिन संदिग्ध आरोपी के पकड़े जाने के बाद बाबचेंको खुफिया एजेंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। उन्हें जिंदा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। बाबचेंको ने जानकारी दी कि खुफिया एजेंसी के कहने पर ही वो अपनी मौत के नाटक में शामिल हुए। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार और यूक्रेन के लोगों से माफी भी मांगी। उनके जिंदा होने की खबर टीवी के जरिए मिलने पर उनके साथ काम करने वाले लोग खुशी से उछलने लगे। इस दौरान उनकी कुछ महिला सहयोगी खुशी से रोती भी नजर आईं। हालांकि रूस ने बाबचेंको की हत्या की किसी भी साजिश से इनकार किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मई को हुए दंगे में पुलिस ने पर्दाफाश किया है कि दंगा फैलाने के लिए बड़ी संख्या में ऑनलाइन हथियार मंगाए गए थे। पुलिस का दावा है कि दंगा फैलाने के आरोपियों ने 29 हथियार ऑनलाइन मंगाए थे, जिसमें तलवार और चाकू शामिल है। पुलिस के मुताबिक दंगे से कुछ दिन पहले ही आरोपियों के पास कुरियर से सारे हथियार पहुंचे थे। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भी कार्रवाई की तैयारी में है। फ्लिपकार्ट के हब से 28 बड़े वेपन्स बरामद किए हैं, जिसमें तलवार, गुप्ती, बड़े छुरे भी सारे जब्त हुए हैं। इसमें औरंगाबाद शहर के 24 लोगों का नाम आगे आ रहा है जो अलग अलग इलाके से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। पालघर में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के राजेंद्र गावित ने शिवसेना के श्रीनिवास चिंतामण को 29,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पटाखे फोड़ने लगे। यही नहीं, जीत का ऐलान होते ही जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र गावित को अपने कंधों पर उठा लिया और नारेबाजी करने लगे। पालघर में इसी तरह बीजेपी के कार्यकर्ता काफी देर तक सड़क पर जश्न मनाते रहे। शिवसेना की हार हुई है। हालांकि शिवसेना ने अपनी हार के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। 100 से ऊपर ज्यादा ईवीएम मशीन बिगड़ गए, क्या किया। लेकिन शिवसेना की नाराजगी के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न जारी रहा। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी की। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने खुद को कनपट्टी पर गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में जमीन विवाद की वजह से पत्नी की हत्या के आरोपी 75 साल के आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में दिव्यांग महिला के गैंगरेप मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में पति ने पत्नी को ब्लैकमेल कर रेप करने वाले की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश को साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान सौंपी गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल हो गई। कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के दिग्गज डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। बिहार के अररिया में आरजेडी के कार्यकर्ता गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाने लगे। जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार शाहनवाज आलम ने मुर्शिद आलम को हराकर जेडीयू से ये सीट छीन ली, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए। तमाम कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े होकर हवा में गुलाल उड़ाने लगे और नारेबाजी करने लगे। वहीं आरजेडी दफ्तर में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोकीहाट विधानसभा सीट पर मिली जीत की खुशी मनाई। जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार शाहनवाज आलम ने जेडीयू के मुर्शिद आलम को 41,224 वोटों से मात दी, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि जोकीहाट विधानसभा सीट पर इससे पहले जेडीयू का कब्जा था। ये सीट पार्टी के नेता सरफराज आलम के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, जिस पर जीत हासिल करने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दुगने जोश में दिखे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की सलाह तक दे डाली। नैतिकता के आधार पर जो जनता का जनादेश है, अंतरात्मा की आवाज सुने और तुरंत गवर्नर हाउस जाकर के रिजाइन देने का काम करें। वहीं जेडीयू के उम्मीदवार मुर्शिद आलम अपनी हार से मायूस दिखाई दिए। जब जनता विकास का हिसाब मांगे तो धर्म में उलझा दो, धर्म को आगे कर दो, जनता विकास भूल जाती है। जीत से उत्साहित तेजस्वी यादव ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए सूबे में सरकार बनाने का भी दावा किया।
राजस्थान के जोधपुर में एक मकान में सैकड़ों चमगादड़ों के डेरा जमाने से दहशत फैल गई है। केरल में फैले निपाह वायरस से हुई मौतों के बाद जोधपुर में एक साथ इतने चमगादड़ों को देख सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें शहर में निपाह वायरस फैलने का डर जताया गया है। सोशल मीडिया पर डाली गई इस पोस्ट में मकान में सैकड़ों चमगादड़ों के बसेरा बना लेने का जिक्र करते हुए नगर निगम से कार्रवाई करने की अपील की गई है।